बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मुबशर सदीक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम बनाएंगे मक्खन से देसी घी। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये कैसे बनाया जाता है। देसी को चूल्हे पे चढ़ा लें और मक्खन इसमें डाल दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको मेल्ट होने दें और फिर इसमें उबाल आएंगे, और इसमें जो लस्सी होती है, छाछ जिसको बोलते हैं, वो बिल्कुल नहीं बचनी चाहिए। ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर लस्सी जो है वो बचेगी इसमें, तो फिर ये देसी घी जो है वो ख़राब हो जाएगा। और ना ही ज़्यादा जलाना है, ज़्यादा जलाने से भी इसका टेस्ट नहीं रहता, तो इसका पूरा ध्यान रखना है। मैं आपको बताऊँगा ये किस स्टेज पर है जो इसको उतार लेना है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। और लाइक करें, कमेंट करें। ये छाछ जो है, जब इस तरह गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसको उतार लें, समझें कि घी जो है वो तैयार हो गया है। ये देखें, ये जब ब्राउन हो जाए तो आपने इसको घी को उतार लेना और छान लेना छन्नी से। ये तैयार हो गया घी, अब हम इसे उतार लेते हैं। इस तरह बर्तन लें और उसमें छान लें घी को। देसी घी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।